नमस्कार दोस्तों, सीएससी फेल हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको गवर्नमेंट की एक नई स्कीम के बारे में जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना। और इसमें मिल रहा है 40% तक का सब्सिडी। और मैं बताऊंगा इसमें क्या है, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे आप करेंगे इसमें अप्लाई, और इस योजना के अंदर आप बिना कोई डाउन पेमेंट किए गाड़ी ले सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, बाई ए व्हीकल फॉर फ्री एंड अर्निंग लैक। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सेट बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल का आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो वीडियो दे रहा हूँ उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आपको। चलिए आते हैं हम प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक पेपर कटिंग दिखा दूं। यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स पे कटिंग आप देख सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट न्यू प्रोजेक्ट व्हीकल्स एट 40% चीपर प्राइस फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर। तो ग्राम के जो व्यवसायी हैं, जो वीएलई है, वीएलई मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर का मतलब है, जो व्यवसायी हैं उनके लिए जो कमर्शियल पब्लिक व्हीकल है वहां पे 40% तक का आपको मतलब बेनिफिट मिल रहा है। रूरल एंटरप्रेन्योर कैन बाई पैसेंजर व्हीकल अप टू 40% चीपर प्राइस फ्रॉम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट प्रपोज ट्रांसपोर्टेशन स्कीम एम टू कनेक्ट द कंट्री हिंटरलैंड सिमलेसली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप इस स्कीम के अंदर में कोई भी कमर्शियल व्हीकल या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से व्हीकल जिसकी प्राइस 2.5 लाख से 10 लाख के अंदर है वो आप खरीद सकते हैं। इसमें 1 लाख तक की आपकी सब्सिडी होगी और बाद बाकी जो पैसा होगा वो बैंक से फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, और वो आपको ईएमआई टाइम से भरते रहना है और आपको गाड़ी चला के या गाड़ी रन करवा के जहां पर कहीं हो आपको रिवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, द प्राइस ऑफ पॉपुलर व्हीकल्स इन रूरल सर्विस रेंज ऑफ 2.5 लाख से 4.5 लाख, ये डिपेंड करता है, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट एरिया वाइज डिपेंड करता है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और कहां पे कैसे क्या है। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं स्कीम क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली मोटी मोटी दो तरह की स्कीमें चल रही हैं, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट की अलग से एक एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम है जहाँ पे वो प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपके स्टेट में कोई स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है तो आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में मतलब बेनिफिटेड नहीं हो सकते, मतलब उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एक ऐसी स्कीम चल रही है जिसका नाम है गति धारा और जो भी इससे पुरानी है और काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अब देख लेते हैं स्कीम में क्या है। तो व्हीकल टाइप होगा कमर्शियल, इसमें आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल खरीद सकते हैं, डोमेस्टिक प्राइवेट व्हीकल आप नहीं खरीद सकते हैं। जो गाड़ी खरीदिएगा वो बिजनेस पर्पज से ही खरीदिएगा तो ही आपको फाइनेंस जो है मिलेगा और सब्सिडी का लाभ मिलेगा। प्राइस रेंज जो है वो 2.5 लाख से 10 लाख तक का है, ये डिपेंड करता है, कहीं कहीं पे 5 लाख है, कहीं 6 लाख है, कहीं 10 लाख है, मिनिमम 2.5 लाख सबके लिए सेम है और उससे नीचे तो होगा भी मेरे ख्याल से। सब्सिडी जो है 40% तक की सब्सिडी है जिसपे मैक्सिमम कैपिंग जो है 1 लाख है। मान लीजिए आप 10 लाख का कोई गाड़ी खरीद रहे तो ऐसा नहीं है कि आपको 4 लाख की सब्सिडी मिलेगी, वहां पे भी सब्सिडी जो है आपको 1 लाख तक की ही मिलेगी। और इसमें अप्लाई तो सभी कोई कर सकते हैं लेकिन प्रायोरिटी जो है SC ST और वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है, प्राथमिकता मतलब उन्हीं को है। अब बात कर लेते हैं कि डाउन पेमेंट जीरो कैसे है। तो यहाँ पे 30-40% तो गवर्नमेंट की सब्सिडी है जो 1 लाख तक की है और 65% जो है आपका बैंक फिनांस चला जाएगा, प्रोजेक्ट जो है बैंक फिनांस चला जाएगा और एप्लीकेंट को 5% कंट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है, मान लीजिए कि आप एक होंडे योन कार ले रहे हैं सेलेक्ट, तो वहाँ पे करीब 4 लाख 3 लाख 80 90 4 लाख की आपकी ऑन रोड प्राइस आ रही है तो वहाँ पे 1 लाख तो हो गया सब्सिडी। अब 3 लाख रुपए आपको फाइनेंस कंपनी फिनांस करेगी। ठीक है, अब वहाँ पे डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर कैसा है, सिविल का रिकॉर्ड कैसा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर बैंक को लगेगा कि ठीक है भैया जीरो पे आप डाउन पेमेंट ले जाओ तो ले जाओ, अगर नहीं तो फिर दिक्कत है वहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है आपके सिविल के स्कोर के ऊपर। और दूसरा है कि आपके जो शोरूम वाले हैं, जो कार सेलर हैं, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप समझ ही रहे होंगे। वो जितना सपोर्ट करेंगे, वो जितना बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे आपकी डाउन पेमेंट उतनी कम हो जाएगी और मोर और लेस जीरो पे भी अवेलेबल है।
इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए कैंडिडेट को रेसिडेंस ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए, उम्र जो है इसकी 20 से 45 साल के बीच में होना चाहिए। एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए अलग से रिलैक्सेशन है, और जो हाउस होल्ड इनकम है वो 25,000 तक होना चाहिए मंथली। कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। ओनली वन मेंबर फ्रॉम अ फैमिली विल गेट द सब्सिडी, एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को इस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी मिलेगा। ऐसा नहीं है आपने दूसरा कोई अलग से स्कीम लिया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, तो आपको चाहिए पहला ड्राइविंग लाइसेंस जो कि ऑप्शनल है, नहीं होगा तो भी चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आप जिस जगह के परमानेंट निवासी हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ का एक आपका सिटीजनशिप प्रूफ होना चाहिए या रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का मतलब है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो आपके स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहाँ पे आपका लिस्टिंग होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो है वो मैंडेटरी है यहाँ पे। बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ आपको देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा आपको, इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फ्रॉम रेस्पेक्टिव अथॉरिटी, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा आपको, और एफिडेविट एज पर मेंशन फॉर्म, जो भी स्कीम है उसके अंतर्गत जो भी फॉर्म वगैरह है वो आपको उस स्कीम के ऑफिस से या ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं या शोरूम पे भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। अब बात कर रहे थे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट बैंक में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं या म्यूनिसिपलिटी या पंचायत में जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी नहीं होगा तो आप अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर जो है डीआईसी ऑफिस या एनआईसी ऑफिस में जाके भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि डायरेक्टली आप जाके अपने एरिया के जो फोर व्हीलर शोरूम है वहाँ पे बात कर ले, वो आपको बता देंगे कि उनके यहाँ पे कौन कौन सी स्कीमें एक्सेप्टेबल है और कौन कौन सी स्कीम में डिसबर्समेंट हो रहा है। ठीक है, और वहीं पे सारा सेटलमेंट वगैरह सारा फॉर्म वॉर्म उनके जो सेल्स के बंदे होंगे वो आपका सारा ए टू जेड रेडी कर देंगे, आपको सिर्फ मेंटल प्रिपरेशन की आवश्यकता है। तो मैं जहाँ पे बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे गतिधारा बोल के स्कीम है वो चल रही है, काफ़ी अच्छा चल रही है, और 2 से 2.5 महीने में उनका पूरा डिसबर्समेंट जो है हो जाता है। लगभग 15 से 20 हज़ार के डाउन पेमेंट पे लोन भी अवेलेबल है डिस्काउंटेड प्राइस पे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो, आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।